बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं तुसां की सिंधनी सैर करासा जी। तो आज मैं एक सिंधी रेसिपी कीमता आया जिसकी सिंधी बिरयानी आखने और वो बहुत ही अच्छी बननी है, बहुत ही लजीज होनी है। तो अच्छो असा उसकी जड़ा ना तकने हैं उसने बनाने वास्ते उसकी असें केड़ी चीज़ चाहिए उसी। तो इंशाल्लाह असानी बेहतरीन सिंधी बिरयानी बन सी। बिरयानी तो हर इलाके की अपनी अपनी होनी है, लाहौर नहीं अपनी है, कराची नहीं अपनी है, इस्लामाबाद नहीं अपनी है। अस इंशाल्लाह कोशिश कर सा सारिया बिरयानियाँ तुसा वास्ते डिफरेंट डिफरेंट तरीके आने जान। तो आओ अस तकने कि यह बिरयानी सिंधी बिरयानी जी अस बनाई दे सिंधनी सुगात है ये किस तरह बन सी। अच्छा असं जी है अपना 1 kg चिकन किंदा, जितनी चिकन सा इतने ही असा चावल किंसा। 1 kg असा चावल किंदे, चावल में तकरीबन अद्धा घंटा हो गया इन्ना की सेड़े हो। तो चावल भावें असा वालसा लेकिन स्टिल इन्ना की सेड़ी छोड़ो तो चावल चंगा पकना और चंगा लम्मा उसी इंशाल्लाह। उस तो बाद असा आलू किंदे, ये 1.5 kg आलू हो सन क्योंकि सिंधी बिरयानी में जड़ा ना वो आलू पेने। बाकी भी तुम बाही सकने हो बाकी बिरयानिया आपजा च पर सिंधी च मस्त ये पेने। उस तो बाद असा 4 टमाटर किंदे वो इतना कट्टे दी असा फुल टेबल स्पून जी है ना वो किंदी है। तो जो जिस तरह आम होना ना रही फुल भरी ना तो पता लगना भार जहा बने इस तरह नहीं फुल, इस तरह नहीं फुल। ये असा होम मेड बिरयानी मसाला है, ये असा 2 चम्मच 1.5 चम्मच की है फुल उस तरह नाल ये ड्राई प्लम जड़े ये असा किंदे न 6 अदद। उस तो बाद इस तरह जरा टेबल स्पून जीरा किंदा असा फुल एक, तो एक फुल जरा ना ड्राई कोरिएंडर जरा ना ये असा किंदा है धनिया 1 चम्मच। उस तो बाद यह जरा ना हल्दी है ये असा किंदी है जरा ना तक 3/4 जरा ना वो चम्मच। तो उस तो अलावा एक असा नींबू किंदा, तो 6-7 मर्चा जड़िया ना वो नीलिया किंदियां। असा देही बासा तकरीबन ये देही नी डब्बी है 400 ग्राम, असा पूरी डब्बी बासा 400 ग्राम डब्बी बासा। ए असा जर्द रंग जड़ा ना ये इस्तेमाल कर सा, येलो रंग इस्तेमाल कर सा। तो ए जड़िया 2 चीज़ां ए लौंग तो लाचियां ये असा जल्द चावल बालसा ये उस वे असा चावलों में बासा जड़ा ना चावल वालने बिच जड़ा। तो उस तो अलावा असा तेल बासा, तो वो तेल जड़ा ना वो फिर मैं जल्द बासा उस वे मैं बनासा उस वे मैं तुसा की बासा जड़ा। तो आओ फिर असा हूँ इस तरह करने असा अपनी चिकन की जर्द रंग लाने हैं। तो जर्द रंग लाई तो उसी रखी छोड़ने तो फिर बाकी प्रोसीजर कर। 1/2 चम्मच जी है असा चावलों बासा, ऐ जी 1/2 चम्मच है ये हूँ मैं इन्हें की मिक्स करना क्योंकि असा चावलों ने अपर जड़ा ना वो रंग ना बन गए ये सारा ही रंग जड़ा ना ये कम कर सी। खाली असा बोटियां की लाना रंग, बाकी और कैसे चीज़ें की नहीं असा रंग लाना। ये रंग जड़ा ना ये कुछ आलूआ की लग सी, कुछ जड़िया सारिया जा चावलों थोड़िया जो कि लग सी जरा असा बनासा तो थल उस उन्हें रंग लगी गया ये असा इसकी असा किनारे करी छोड़ने उन्हें रंग लगी गया ये असा इसकी असा किनारे करी छोड़ने। बाकी असा हूँ जरा ना ये अपने आलू बनाने शुरू करने अपना, तो फिर उस तो बाद असा अगे टुरसा जो अस तेल बनाने जी। रोटा तेल पाया असा तेल जरा गर्म उसी
तेल थोड़ा जा गर्म हो सी तो फिर हाँ एक चम्मच रोटी एक जीरे की सरसों बासन लेना लीरा बासन कोशिश करना एक थानो जीरा खड़ा ना थोड़ा जा सेक लगे इसमें से मटर बासन मैं एक चीज भूली गया था असा जरा जिंजर गार्लिक पेस्ट वो बाहनी है वो मैं क्यूब्स बासा तो मैं हम क्यूब्स बाह लूंगा जरा मैं त्रै क्यूब्स जिंजर गार्लिक लिया ये बाह लूंगा तो हूँ असा अपने इसमें बछावा देने थोड़ी देर तक जो सारा प्याज जरा वो नरम अपना टमाटर सारे नरम हो जाए तो फिर उस बाद अगर अपना प्रोसीजर दसा मिलने दो मिनट बाद अच्छा सारे टमाटर देखो बिल्कुल गली गए हूँ असा इसमें जरा ये बासा अपने मसाले सारे मसाले असा इसमें जितने भी हैं सारे पाई दो पुजना लगे जी हम असा इसी थोड़ा जा पानी पासा ताकि सारा मसाला नाल ना लगे मसाला जरा बटर छोड़ दिता सारा मसाला बेहतरीन पुजी गया ये तक हूँ असा इस जरा ये आलू पाने आलू के नाल ही असा इसने नीलिया मर्चा थोड़िया जी बाई जी थोड़ी जी असा रखियां उस गार्निश करने असा है नमक जी दो ढाई चमचा नमक पाया ये मैं लता ने या कोई हमने चेक किया तो नमक कोई नहीं उस कसा नमक बहे कोई नहीं तो हूँ मैं इसने दही पाना हूँ असा इसकी दही की लासा चलासा फिर इसी असा पाँच मिनट देसा दही की ता जो दही ना पानी सुके ते फिर असा और पानी इसने बासा हूँ असा मिलने हैं तकरीबन इसी कहने पाँच मिनट मिनट बाद जरा अच्छा असं तको जी सारा दही पानी छोड़िया असा इसने और पानी बाहने तकरीबन मैं जिस तरह बाया सी कि असा लीटर पानी और बाया बाहने तो हूँ असा इसकी रखी छोड़ने नाले साढ़े आलू नाल ही आलू भी गलसन तो नाल ही सारा ए, सारा कुछ तैयार हो जासी तो हूँ असा सिर्फ रही गए न चावल तो उस तो बाद बाकी जरा अगर प्रोसीजर है वह कर सा
मैं तुसां गी मिलना तकरीबन 5 मिनट बाद। जिसे साढ़े आलू गलने इधर इसे असा मैं पानी रखा अस चावल बाली के ना तो चावल बालने तो बाद फिर असा अपनी बाकी प्रोसीजर जरा वो कर सा। तो आओ हूँ मैं चावलों में जरा लौंग लाचियां बाना तो वेट करने हैं जिस सारा ये जरा ना कुछ पानी की वाल अच्छा तो जल पानी वाल आई तो असं फिर असा बस अपना चावल पानी जरा ना वो वाले खाना जी हूँ इसने मैं वाले खान का खाना नहीं खान का हूँ इसने मैं नमक बासा नमक वो जरा हांडी पाया वो सैपरेट है ये नमक जरा ना ये चावलों वास्ते नमक है असा ए इसने जड़िया ना ये 2 चमचा नमक पाया तो हूँ असा इसनी वाला इसने आओ जी असा हूँ चावल पाने कोशिश करो चावल दें ना जान सारे चावल इसने बिच 15 मिनट जरा ना असा इन्होंने चावलों की देसा तो इंशाल्लाह बेहतरीन गले भी उठा नाले असा इसी तकड़ा असा इसी 95% असा इन्ना की गालना ना इत्थे तो बाकी ये दम पर जरा ना वो गल सन जल असा दम देसा उस वेल दम पर भी असा इन्ना की गालना सटाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तको जी असें चावल कितने सोने लम्मे लम्मे बने गले हुए चावल एक एक दाना जरा गले इंशाल्लाह हूँ अच्छो असं इसकी पानी जरा कोई थोड़ा मचा वो ड्रैन करने तो फिर असं बिरयानी अपनी तैयार करनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट हो गए जी असने आलू रेडी हो गए हूँ असं इसकी बंद करने हैं चावल भी बाली छोड़े उन्हें चावलों की पानी ड्रेन कर फिर तुसा के मिलना 5 मिनटों का असा उन्हें चावल बाल लिए जी इसने पहले हूँ असा एतको थले असा तवा रखा तवे ने उपर हंडी रखी है फुल गैस तवे बालिया हूँ असा जरा चिकन रंगा चुक किता सी वो असा हूँ इसने बासा तकरीबन ये जरा दमा ना ये असा 45 मिनट ना दमा देसा असा सारा चीज़ा भी इंशाल्लाह गली जासी आलू भी तो चावल भी बस ए इसी दम देने असा दम दिता कोशिश करो कई हंडिया ने छावड़े डिंगे होने सारा छावड़ा ठीक है कई छावड़े डिंगे होने उन्होंने चलो उपर वजन बना शिशोना ये छावड़ा ठीक है जिसलै गैस फुल छोड़ो जिस वेल इसनी स्टीम एदू साइडा ना निकलना शुरू हो सी कुथों ना कुथों फिर तुसा इसकी जरा ना अग वो मीडियम लो करी छोड़ो मीडियम लो च असा इसकी जरा ना तकरीबन 45 मिनट देसा इंशाल्लाह साड़ी बिरयानी सिंधी बिरयानी रेडी हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आओ जी असा हूँ तकरीबन 40 मिनट हो गए तो हम असा तकने सारे चावलों की क्या हालत हो गई माशाल्लाह जी तको साढ़े कितने सोने और नाइस चावल बने
ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੇਰਮਾ ਦਾਣਾ। बेहतरीन चावल साढ़े बने हूँ अस बोटिया बोटी भी तको बोटी भी सारी बेहतरीन गली भी है जड़ा आओ जी अस हम इसी डिश आउट करने हैं। तको जी मैं तुसें दस्सना साढ़े आलू किस तरह बेहतरीन गले हुए ये तको नाइस चावल बोटी साड़ी जी है कितनी बेहतरीन गली हुई है जरा ना मैं इसकी टेस्ट करना बेहतरीन जी लून मर्च हर चीज़ अपने हिसाबें नहीं है साढ़े आलू गले हुए सारा चूजा गलिया हर चीज़ चावल साढ़े बेहतरीन केरमे चावल न तुसा भी प्लीज़ इसकी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे इंशाल्लाह तुसा भी सिंधी बिरयानी इस तरह बनसी तो असा की अपनी दुआ च याद रखे है साढ़े चैनल की सबसक्राइब करो बैल आइकन पर बटन दबाओ ताकि तुसा की साड़ी न्यू अशने वाली वीडियो नहीं सब तो पहले मालूमात पे तो माड़ा तो तुसा अल्लाह नी के बाण तो बहुत ही टेस्टी है बहुत नाइस स्मैल आई रही है हूँ तो माड़े मूँह में पानी आई गया तो मैं ना हूँ इसी बेही तो खान तो तुसा भी बनाओ तो फिर इंशाल्लाह तको तुसा भी इंशाल्लाह इस तरह मूँह में पानी इसी तो माड़ा तो तुसा अल्लाह नी के बाण अपना ख्याल रखे खुदा हाफिज़।